अरे मन धीरज काहे न धरे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, आज मैं मानवता मंदिर होशियारपुर से मानवता मंदिर बिलारी में एक विशेष सत्संग के लिए आया हूँ। और वो विशेष सत्संग ये है कि आज पूरे 11 महीने हो गए, आज पूरे 11 महीने हो गए हैं मेरे बहुत ही प्रिय सज्जन नरेश क्वात्रा साहब इस संसार को छोड़कर, यहाँ से हमारे छोड़कर चले गए, और उनकी बारखी मनाने के, उनकी याद में ये सत्संग करने जा रहा हूँ। और ये साबित करने के लिए जा रहा हूँ कि ये जो संसार है ये कुछ भी नहीं है, ये सपना है। सभी संतों ने कहा है कि ये संसार सपना है। किसी संत ने कहा कि ये संसार क्या है, ऐसे है जैसे पुड़िया, जैसे हमारे कागज की किश्ती, जब पानी पड़ेगा तो वो साथ ही डूब जाएगी, उसमें वो पार नहीं जाती है, ऐसा संतों ने कहा। किसी संत ने कहा कि ये सपना है, ये सपना है। किसी संत ने कहा कि ये मनोमय जगत है, मन के ऊपर आधारित है। एक संत ने तो यहाँ तक कह दिया, कूड राजा, कूड प्रजा, कूड सब संसार, कूड़ा है। कूड़ा जानते ना, जो हम घर से बाहर फेंक देते हैं। कूड राजा, कूड प्रजा, कूड सब संसार, कूड सोना, कूड रूपा, कूड पहननहार। ना सोना अच्छा है, ना रूपा चांदी अच्छी है, और ना ये पहनने वाला, वो भी सत्य नहीं है, सब ने चले जाना, कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए ये जो क्यों हम गए या कहाँ गए, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने, जब टंडन साहब जिन्होंने ये मंदिर के लिए ज़मीन दी, वो चोला छोड़ गए, तो महाराज परमदयाल जी महाराज ने उनकी याद में यही बैठकर सत्संग दिया था टंडन साहब को। और उन्होंने कहा था, टंडन अगर कहीं तेरी आत्मा यहाँ घूम रही है तो मैं तुम्हें कहता हूँ तुम वापस अपने घर चला जा। ऐसा उनका सत्संग मैंने सुना, मैं वहाँ यहाँ तो था नहीं, जो रिकॉर्ड किया गया मैंने सत्संग सुना काफ़ी दिन पहले। तो मैं भी कहता हूँ कि अगर सेठ साहब आपने बहुत इस मंदिर की सेवा की है, और अगर आप कहीं यहाँ सूक्ष्म रूप में विराजमान हो, क्योंकि हमारे चार रूप हैं, वो भी मैं बताऊंगा हम क्या क्या हैं, तो अगर सूक्ष्म रूप में आप कहीं यहाँ विराजमान हो, तो मैं बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में बैठकर आपसे आदेश देता हूँ कि आप अपने घर वापस चले जाओ, जिस संसार रहने के योग्य नहीं है, अपने सागर में जाकर आप सिमट जाओ, उस मालिक की गोद में आप चले जाओ, यही मेरी आज की आपके लिए शुभकामना है। अब आप लोग आए हैं, सर्दी में आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, तो कुछ न कुछ तो आप ले जाओ। वो लेना क्या है, ज्ञान लेना है कि हम हैं क्या वास्तव में। दाता जाल मेरे दादा गुरु महर्षि शिवप्रतलाल जी ने लिखा है कि ये संसार सब जाने वाला है, और जब उन्होंने चोला छोड़ा तो वो धाम में, यहाँ बनारस के पास धाम है, सुबह उठे और नहाए, और एक क्विंटल दूध के साथ उन्होंने स्नान किया, फिर ईंटों का चौसरा बनाया। मैं तो वहाँ हर साल जाता हूँ, और वहाँ चंद्र लेकर बैठ गए और अपने आप को सिर छोड़ दिया, कोई तकलीफ नहीं। और हमारे सेठ साहब ने भी सुबह उठे हैं, उन्होंने थोड़ी दवाई ली है, पानी पिया है, जैसा कि उनकी धर्मपत्नी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मैंने मंदिर जाना है, उन्होंने कहा आप मंदिर जाओ, किसी को याद नहीं किया। और बेटे ने बताया कि मैं वो बैठे, और बैठे बैठे ही पीछे ऐसे झुक गए, और मैंने उनको पलटा दिया। तो ऐसी मृत्यु तो शायद किसी भक्त को भी प्राप्त नहीं होती, किसी संत को भी प्राप्त नहीं। संतों को भी दुख हुआ, संतों को भी तकलीफ हुई,
कई दिनों तक हॉस्पिटल में पड़े रहे, क्या वो मौत अच्छी है कि ये जो आराम से चले जाना ये अच्छी है? मैं कहता हूँ उनको तो बहुत उच्च कोटि की ही शरीर को छोड़ने का समय मिला और वो उनका मोक्ष हो गया है, क्योंकि उनको किसी के साथ मोह नहीं लगता था, वो आराम से आंख बंद की और चले गए। और इसलिए उनके बारे में चिंता या फिक्र या रोना नहीं चाहिए ऐसी मौत के लिए। वो लोग सोचिए जो सदा लेटे रहते हैं, घर वाले भी दुखी हो जाते हैं कि मालिक अभी इनको छुट्टी दे दो जो चले जाएं, करते हैं ना, बहुत देर तक कौन सेवा करता है, कोई सेवा नहीं करता। मेरी बहन मेरे पास से, मेरे पिताजी की एक टांग टूट गई थी तो मेरे पास वो आए हुए थे, मेरे पास रहते थे, हम उनकी सेवा करते थे, मेरी पत्नी भी थी, बहू मेरे सामने सेवा करनी, तो मेरी बड़ी मित्र छोटी बहन आई तो आकर देखा तो मुझे कहती पाजी अब तो पिताजी चले जाएं तो अच्छा है, मुझे कहते। मैंने उसको उल्टा कहा कि मैं क्या आपको कोई तकलीफ है, आपको क्या तकलीफ है, मैं सेवा कर रहा हूँ, मुझे मौका दिया सेवा करने का उन्होंने, तो आपको क्या तकलीफ है। तो दुनिया ऐसी है, क्या कहूँ मैं आपको, तो दुनिया की परवाह नहीं करना, अपने आप की परवाह करना है। जैसे दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, सब है जाने वाले जग में रहने वाला कोई नहीं, निकालो शब्द ये आप, मेरे दादा गुरु एक शब्द कहते कोई नहीं रहा जहाँ, बड़े बड़े ऋषि नहीं रहे, मुनि नहीं रहे, संत नहीं रहे, मेरे दाता परमदयाल जी महाराज कहते थे क्या मैंने नहीं चले जाना, दादा दयाल चले गए, महर्षि अपने स्वामी जी महाराज चले गए, बाबा सावन सिंह जी महाराज चले गए, गुरु नानक सब चले गए, जब बड़े बड़े चले गए तो हम कहाँ जाने वाले हैं। इसलिए हमेशा तैयारी करो कहाँ जाने की, अपने घर जाने की, हमारा घर कहाँ है वो भी मैं आज आपको बताता चाहूँगा। पहले ये सुन लो शब्द क्या कहता है, सुनिए। एक एक लाइन पढ़ो आराम से। सब है जाने वाले जग में, सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं, रहने वाला कोई नहीं, सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं, रहने वाला कोई नहीं। रामचंद्र अवधेश बुआला, रामचंद्र अवधेश बुआला, दीनानाथ दीन प्रतिपाला, गए त्याग करे धर्म रटाला, गए त्याग करे धर्म रटाला, रामने वाला कोई नहीं। अब उन्होंने सबसे पहले बात राम की कही है कि वो जो अवध के राजा थे, बहुत बड़े थे, दुनिया उनको पूछती है, वो भी यहाँ नहीं रहे, वो भी यहाँ से चले गए, और कौन गया आगे पढ़िए। रावण गया बुद्धि बल सीला, रावण गया बुद्धि बल सीला, साहस उद्धव में फुर्तीला, छल छबीला रंग रंगीला, छल छबीला रंग रंगीला, थमने वाला कोई नहीं। अब दूसरा उन्होंने मिसाल दी रावण की, जो बहुत ताकतवर था। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने, उसने तो अपनी मौत को भी कंट्रोल किया हुआ था, और उसकी मौत जो थी वो नाभि में थी, शायद आपने सुना होगा। राम उसको नहीं मार सकते थे, राम के पास तो ज्ञान ही नहीं था, वो तो चारों वेदों के ज्ञानी थे,
और एकदम छुप जाते थे, बहुत बहुत विद्वान थे और बहुत ताकतवर थे, राम उनको नहीं हरा सकते थे। लेकिन उनके भाई भीष्म ने बता दिया राम को कि राम ऐसे नहीं मरेगा मेरा भाई, इसकी नाभि में तीर लगाओ, इसकी मौत इसने काबू नाभि में की हुई है, और तब वो मारा गया, नहीं तो वो मारा नहीं जाता था। इसलिए मसाल दी जाती है कि घर का भेदी लंका ढाए, इसलिए कहा गया है। रावण कहाँ मर सकता था, रावण को राम के पास तो ताकत ही नहीं थी, ना हनुमान के पास ताकत थी, ना कृष्ण अपने लक्ष्मण उनके पास ताकत नहीं थी। वो बहुत विद्वान था, वो शास्त्रकार था, वो हर तरह के शस्त्र इस्तेमाल करना जानता था, लेकिन वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। वो लोग भी यहाँ से चले गए जिन्होंने वरदान लिया था हिरण्यकश्यप जैसे, वो लोग भी यहाँ से चले गए, जो कंस था जिनको कृष्ण का जो मामा लगता था वो भी यहाँ से चला गया। तो ये सारी मिसालें जो दाता दयाल जी महाराज दे रहे हैं वो हमें विश्वास दिलाते हैं कि ये संसार कुछ भी नहीं है, सब ने जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है, ये तो अगली बात में डिस्कस करूँगा कि कब जाना है हमने और कैसे जाना है, क्यों जाएंगे, किस कारण जाएंगे, सब कुछ मैं बता के जाऊँगा आपको। सलिया के सोना तला किसने उतारा, जिनकी गति का वार न पारा। सोलह तला कृष्ण उतारा, जिनकी गति का वार न पारा। कुल सहित कुल और परिवारा, यदु सहित कुल और परिवारा। रुकने वाला कोई नहीं। अब भगवान कृष्ण का भी हाल देख लीजिए, जिनको हम सोलह कला अवतार कहते हैं, पूजा करते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा का गुण गाते हैं, उनका क्या हाल हुआ? वो खुद तो गए, उनका सारा परिवार भी नष्ट हो गया, कोई नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि जो गंधारी थी, दुर्योधन की माता जो थी, उस समय का संसार देखिए आप, जब गंधारी की शादी क्या नाम था उनका राजा का, धृतराष्ट्र, वो अंधे थे और वो गंधार की राजकुमारी थी, उसने कहा कि धर्म की पालना करनी मैंने, अगर शादी मेरी इस राजा से हुई है जो अंधा है तो मैं भी कभी नहीं देखूंगी, और उसने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, और पट्टी बांधने के बाद उसने कभी आंखें नहीं खोली, दो बार आंख खोली उसने केवल, एक उस वक्त आंख खोली जब युद्ध हो रहा था, तो उसने अपने पुत्र को कहा बेटा तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा, लेकिन तुम एक काम करो, स्नान करके मेरे पास बच्चा बन के आ जाओ, कोई कपड़ा नहीं पहनना, बगैर कपड़े पहने मेरे सामने आकर खड़े हो जाना और आपने प्रणाम करना, मैं उस वक्त आँख खोलूँगी आपको देखूँगी। तो कहते हैं जब वो नहाकर चला अपनी माँ की तरफ तो कृष्ण आगे खड़े हो गए, अरे कहाँ जा रहा है तू, कब वस्त्र पहने नहीं हुए, ये कहाँ जा रहा है नंगा होकर, तू इतना बड़ा होकर योद्धा होकर। उसे कहा माता को दर्शन करने जा रहा हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ। तो उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम छोटे हो, अरे कम से कम लगोट तो लगा लो, ये जगह आपने ढक लो, ये अच्छा नहीं लगता। तो उसने कृष्ण ने उसके इस जगह के ऊपर कपड़ा बंधवा दिया और वो माता के पास गया। उस वक्त जब उसने प्रणाम किया तो कंधारी ने आंख खोली, उसको देखा। अब जिसकी आंख कई सालों से बंद हो उसमें कितनी ताकत होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उसमें बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ी शक्ति थी, वो पतिव्रता थी, और उसने जब आँख खोल ली तो उसका बाकी का सारा शरीर बजर हो गया, लेकिन वो शरीर कच्चा रह गया। उसने कही दुर्योधन ये तुमने बहुत गलत काम किया बेटा, अब तेरी रक्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कच्चा रह गया। और जब युद्ध हुआ कृष्ण का और दुर्योधन के साथ तो सब काम चलता रहा, वो नहीं हार रहा था, दुर्योधन नहीं हार रहा था, जोर लग गया, थक गया अर्जुन भी,
भीम भी थक गया, तो कृष्ण भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, भाई इसकी जांघों में मारो, जहां मरेगा ये कच्चा है। तो तब वो मारा गया। क्या कहा मैंने, माँ की शक्ति और उधर कृष्ण भगवान की क्या कहते हैं, लीला कहोगे या पॉलिटिक्स कहोगे, क्या कहोगे आप उसको? मैं उसको पॉलिटिक्स कहता हूँ, क्योंकि वो पांडवों का साथ देते थे वो, आप समझ गए ना। तो वो भी नहीं रहे जो निर्लेप नहीं है। निर्लेप जानते हैं, जिसका ना इधर प्यार है ना इधर प्यार है, केवल वो ही उड़ सकता है ऊपर तक जाने के लिए। जिसका इधर ज्यादा है इधर कम है, वो नहीं उड़ सकता। ये सभी राजाओं का या संतों का हाल देखो आप, आपकी आंख खुल जाएगी। एक संत होता है, परम संत होता है, बाबा फकीर होता है, जिसका सारी दुनिया के साथ प्रेम होता है, और वो लिख के लगा देते हैं, फैज का दर खुला है, मंदिर में लिख कर लगाया हुआ, फैज का दर खुला है, बंद में हरगिज नहीं। पर शर्त ये है कि मांगने कोई साइल आए, दिल साफ करके मेरे पास आ जाओ, फिर तुम्हें जो मांगोगे मिलेगा। अगर कोई और भावना से आता है मंदिर में, या किसी और ख्याल से आता है, कोई बन के आता है कि मैं कुछ ये हूँ, उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि मैं ना संत हूँ, ना महात्मा हूँ, ना आचार्य हूँ, मैं केवल बाबा फकीर की संगत का सेवक हूँ, और आप लोगों के दर्शन करने के लिए आता हूँ। जो मुझे मेरे सदगुरु बाबा फकीर से मिला, वो मैं बांटने आता हूँ। किसी की किस्मत हो ले ले, किसकी किस्मत हो ना ले, ये मेरे बस में नहीं है। आगे पढ़ो। परशुराम क्रोधी अभिमानी, परशुराम क्रोधी अभिमानी, तेजस भी बल बुद्धि की खामी, तेजस भी बल बुद्धि की खामी, सब गए ना नाम निशानी, मार गए ना नाम निशानी, टिकने वाला कोई नहीं। परशुराम की बात बताई है। परशुराम, उसके पास वर्षा होता था, उसका सामने कोई खड़ा नहीं होता था। पता नहीं कितने लोगों का उसने कत्ल कर दिया धर्म के नाम से, उसका नाम भी कहीं सुनने को नहीं मिलता। आगे पढ़ो। मच्छ कच्छ बारह पसारा, मच्छ कच्छ बारह पसारा, मिट गए जाने सब संसारा, जो छोड़ माया विस्तारा, वह छोड़ माया विस्तारा, बसने वाला कोई नहीं। अब दाता जी दस अवतारों का नाम लेते हैं। दस अवतार हुए, मत्स्य कच्छ ब्रह नरसिंह बावन परशुराम और राम, उसके बाद कृष्ण बुद्ध, ये सब अवतार हुए हैं। इनमें से कोई भी कहीं नजर नहीं आता, सब चले गए। आगे करो। सहस्र बाहु अगली लाइन पर दो, इसको छोड़ दो। बलि सहस्र बाहु नरभूषण नरेश नर नाहो, नरभूषण नरेश नर नाहो, वह सह गए ताप त्रेदाहो, वह सब गए ताप त्रेदाहो, बचने वाला कोई नहीं, सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। आगे चलो। विश्वामित्र अगस्त वशिष्ठा, विश्वामित्र अगस्त वशिष्ठा, गौतम न्याय शास्त्र का श्रेष्ठा, अनिल तत्व के दृष्ट का दृष्टा, गुणने वाला कोई नहीं। अब ऋषियों की
बात की है, विश्वामित्र का नाम लिया, अगस्त ऋषि का नाम लिया और वशिष्ठ का नाम लिया। ये दूरदर्शी थे, बहुत कुछ बताने वाले थे, बड़े बड़े शास्त्र लिखे, उनका कहीं नाम नहीं है। देखिए, कोई उनकी पूजा करता है, वशिष्ठ की पूजा करता है कोई, कोई विश्वामित्र की पूजा करता है, कोई नहीं करता है, कहीं नाम ही नहीं उनका। तो कौन नाम लेगा, किसका नाम लेगा, आगे पढ़ो। दुर्योधन दिल्ली का राजा, दुर्योधन दिल्ली का राजा, जिसने भारत दल को साजा, कला त्याग कर सकल समाजा, कला त्याग कर सकल समाजा, सुनने वाला कोई नहीं। दुर्योधन अपने आप को सम्राट बनाना चाहता था और उसका भी कहीं नाम निशान नहीं है। जीता जो युद्ध कहाँ जीता, वो दुर्योधन पांडवों ने हर हार गया और सब कुछ नष्ट हो गया। 100 के 100 कहते हैं उसके भाई थे, सब खत्म हो गए। कृष्ण भगवान जिन्होंने युद्ध लड़ाया उनका क्या हाल हुआ, उनका यादव सारा वंश ही खत्म हो गया। और पांडव जिन्होंने युद्ध जीता उनका क्या हाल हुआ, इतनी उदासी आई, पहाड़ों में जाकर बर्फ में गल कर मिल गए। ये लिखा है सारे का सारा हाल लिखा। और धर्मराज युधिष्ठिर जिनको कहते थे वो सत्य बोलता है, उसने जिंदगी में केवल एक झूठ बोला और वो भी भगवान कृष्ण के कहने पर बोला कि तू कह दे अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मरा ना जाना नरबज कुजरो, ये कहना था। सिर्फ जब उसने कहा अश्वत्थामा मरा तो उसके पिता जो बहुत बड़े द्रोणाचार्य महाबली थे उन्होंने सुन लिया कि अश्वत्थामा मर गया, मेरा बेटा ही मर गया, उसकी ताकत खत्म हो गई और वो भी मर गया, वो भी मर गया। अब जब कहते हैं मृत्यु के बाद धर्मराज वहाँ पहुँचा, ये हमारा जिसको धर्मराजा कहते हैं, धर्मराज के चक्कर में पहुँचे, मेरे भाई भाभी कहाँ गए, कहते सब पांचों वही चारों के पांचों के पांचे नरक में हैं। अब सोचो आप, जिनका रथ चलाने वाला भगवान कृष्ण था, जिन्होंने उनको इतना युद्ध में जीत जताया और वो सारे के सारे नरक में गए, ये हमारा शास्त्र कहता है। और उसको कहा तुम्हें भी धृतराष्ट्र, तुम्हें भी वही जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने एक झूठ बोला था, तुमने झूठ बोला था। इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी कहा करते थे, ये जो लोग झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, 400 बीसी करते हैं, इनका क्या हाल होगा, नर्क में तो जगह ही नहीं होगी शायद, कहाँ जाएंगे जो झूठ के सहारे पर अपने जीवन को गुजारते हैं। तो कहते हैं उस धर्मराज को भी जिससे कभी झूठ नहीं बोला था, एक झूठ बोलने के कारण उसको भी नर्क में जाना पड़ा। ये लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर आपने और ज्यादा जानना है तो ये हमारा जो गरुड़ पुराण शायद पढ़ा होगा क्रिया के ऊपर पंडित जी ने, उसमें सारी बात नहीं बताते खोलकर, उसमें सब लिखा हुआ है कि किस कर्म से तुम्हें आगे का जीवन मिलेगा, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। वहाँ कौन जाएगा, केवल परम संत वहाँ पहुँचेगा, वो पहुँचेगा जो बिल्कुल निर्लेप है, निस्वार्थ है, जिसके मन में किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, जिसके ऊपर उस गुरु की कृपा है, जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूँ, वो ही वहाँ पहुँचेगा, दूसरा पहुँच नहीं सकता, ऐसा संतों ने लिख कर दिया है और बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़िए। राधा स्वामी संत शिरोमणि आए, कहा ये बात, ये संतों ने कही बात। और यहाँ राधा स्वामी नाम लिया गया है, ये राधा स्वामी नाम जो है ये सनातन धर्म का अंतिम शब्द है। सनातन धर्म तो बहुत कहीं का कहीं नीचे चला गया, ये तो मूर्ति पूजा में लग गया, ये तो बस आरती करने में लग गया, ये जो सनातन धर्म की असली शिक्षा है वो गुम हो गई है, मैं ऐसा कहने का साहस रखता हूँ। कहीं भी सिर्फ द्वापर और त्रेता की बातें हो रही हैं, कोई द्वापर की कहानी सुना रहा है, कोई त्रेता की कहानी सुना रहा है। आज कलयुग है,
कलयुग में तो लिख दिया तुलसीदास ने लिखा कलि केवलिक नाम अधारा, यही कहा ना श्रुति स्मृति संत मत सारा। कलयुग में केवल नाम है और कुछ भी नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई आरती नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई तीर्थ स्नान नहीं, कोई गंगा स्नान नहीं है, वो तुम्हारे अपने अंदर है। कैसे होगा मैं अगर लाइन पर बताऊंगा, आगे चलो। राधा स्वामी संत शिरोमणि आए दे चितावनी जी उचिताए, सुरत साध मत पंथ चलाए, सुरत साध मत पंथ चलाए, चलने वाला कोई नहीं। आप कहते हैं कि जो संतों ने कहा कि तुम कैसे पार जाओगे, उस पर कोई चलने वाला नजर नहीं आता। यही कहा संत शिरोमणि आए, उन्होंने कबीर साहब आए, गुरु नानक साहब आए, स्वामी जी महाराज आए, दादू जी आए, पट्टू जी आए, जी जगजीवन राम, कितने संत आए महाभारत। और आपका तो यूपी में संतों का अवतार ही बड़ा हुआ, पंजाब में गुरुओं का अवतार हुआ। मैं गुरुओं की धरती से आया हूँ और यूपी में संतों का अवतार हुआ। कबीर साहब आपके बनारस में पैदा हुए, संत रविदास जी आपके बनारस में पैदा हुए, और मेरे दादा गुरु महान शिष्य दत्तलाल जी आपके ये बनारस के पास जो गाँव है वहाँ पैदा हुए, उनका धाम वहाँ है, उनकी वाणी ये मैं बोल रहा हूँ। तो क्या आज क्या इन लोगों को किस जो मानने वाले भी हैं, राधा स्वामी मत वाले ले लो, गुरु नानक साहब को मानने वाले ले लो, या किसी और संत को मानने वाले ले लो, मुझे कहीं नजर नहीं आते। एक परंपरा बन गई है कि धर्म धर्म एक आय का साधन बन के रह गया हिंदुस्तान में, और उसमें सनातन धर्म भी आ गया है। जिस सारे धर्म जितने भी हैं ये असलियत को छोड़कर बाहर मुखी हो गए हैं, जबकि इन्होंने ये कहा है कि वो असली रास्ता क्या है वो बाहर नहीं है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कबीर साहब ने कहा, दाता दयाल जी महाराज ने कहा, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वही। मेरे दाता मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने भी यही कहा कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे घट में हूँ। जहाँ तक कह रही है संतों ने, तेरे तन में तेरे मन में तेरे श्वासों श्वास, मैं तेरे सांस में हूँ भाई, तू मुझे पहचानने की कोशिश कर। लेकिन हमने कभी देखा नहीं कि हम कौन हैं। अब ये शब्द खत्म हो गया, अब मैं असली टॉपिक पर आता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या कहना चाहता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जितने भी सुनने वाले आप आए हो, अगर चल नहीं सको कम से कम विश्वास ही कर लेना, कम से कम अपने मन में रख लेना कि मैंने कुछ कहा है। अब ये जितना ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जानते हो, ये धरती है, आकाश है, सूरज है, चांद सितारे हैं, हवा चलती है, बारिश होती है, ये पांच तत्व है। ये ब्रह्मांड जो है वे पांच तत्व का बना हुआ है, पृथ्वी है, आकाश है, जल है, अग्नि है, वायु, यही है ना पांच चीजें। और शास्त्रों में लिखा है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मंड में वो हमारे शरीर में है, पांच तत्व हमारे शरीर में हैं। अब इसके बारे में मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, गहराई में जाने की कोशिश करूँगा ताकि आप समझ सको। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसको कोई चलाने वाली हस्ती है ना, ये धरती ऐसे खड़ी नहीं है, ये चांद सितारे, ये इतना ब्रह्मांड जो है, सूर्य चल रहा है, ध्रुव हो जाता है, सर्दी अब सर्दी फिर गर्मी आएगी, ये कोई ना कोई ताकत इसको कंट्रोल कर रही है। अगर धरती सारी हिल जाए तो क्या कहते हैं, अर्थक्वेक आ गया, चल खत्म हो गई दुनिया। ये किसी असूर पर खड़ी है। जब अर्थक्वेक आता है, जब जलजला आता है, जब जिसको आप भूचाल कहते हैं आता है, वो तब आता है जब धरती का बैलेंस खराब हो जाता है, जब मानव बिगड़ जाता है, जब इंसान बिगड़ जाता है, जब उसकी रहनी बिगड़ जाती, जब उसका दुनिया में बर्ताव करना बदल जाता है, जब वो कुदरत को ही चैलेंज कर देता है, तो इस संसार में विनाश होता है और होता रहेगा। ऐसे ही ये जो हमारा पिंड है, ये भी ब्रह्मांड है, उसमें भी पांच तत्व है, इसमें भी पांच तत्व है।
अगर उसको कोई शक्ति चला रही है तो क्या इसको कोई शक्ति चला नहीं रही है ना? बात समझोगे? अब चलो और पीछे आपको ले जाता हूँ ताकि तुम्हें बात क्लियर हो जाए। बाबा फकीर ने कोई बात छोड़ी नहीं जिसको समझ ना आ जाए, आप समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें नहीं कहूँगा, मैं अपने ऊपर बात लिया करता हूँ। जब मैं पैदा होना था तो मैं कहाँ था? माँ के गर्भ, माँ के गर्भ में था। तो मैं क्या था? क्या था? एक छोटा सा जीव था, छोटा सा, जिसको दूरबीन से देखा जा सकता था, वैसे नहीं देखा जा सकता। तो माँ के गर्भ में वो जब बड़ा हुआ, मच्छ से कच्छ बना, कच्छ से बड़ा बना, तो क्या हुआ? वो फिर उसके लिए एक पानी की पोटली बन गई अंदर, माता के अंदर। तो उसका शरीर बनना शुरू हुआ, शरीर बनना शुरू हुआ। शरीर किस चीज़ के बना? जो माँ खाती थी, जो माँ पीती थी, उससे शरीर बनता गया। जो माँ देखती थी उससे आंखें बनती गई, जो माँ सुनती थी उससे कान बनते गए, जो माँ खाती थी उससे जुबान बनती। ये सारा शरीर माँ के खाने से बना कि नहीं बना? जो माँ ने खाया, जो माँ ने पिया, जो माँ ने देखा, जो माँ ने सुना, जो माँ ने बोला, उससे मेरा शरीर बनता गया और 9 महीने उल्टा लटका रहा। और उस उल्टे हुए शरीर में जो कि बच्चा था छोटा, उसकी नाभि से एक नाड़ी निकली और माँ के साथ जुड़ गई। ऐसे हुआ। और वो जो नाड़ी थी उससे सब कुछ मुझे मिलता रहा, जो भी कुछ माँ खाती थी, जो कुछ भी माँ पीती थी। और इसलिए कब कभी माँ का बच्चा बीमार हो जाए पूछते थे, तूने क्या खाया? क्योंकि वह बच्चे को जाता था। तो बात समझ गए? अब ये सारा इंतजाम किसने किया? किसने किया? किसी साइंसदान ने किया कि माँ ने किया, पिता ने किया? नहीं किया ना किसी ने। उसको करने वाली एक हस्ती थी जो जीव रूप में मेरे इस माँ के घर में आई। और वो जीव एक मालिकी अंश है, जिसकी मैं अंश हूँ, जिससे मैं जुदा होकर आया, उसने मेरा पालन पोषण माँ के गर्भ में किया। मान गए आप लोग कि नहीं माने? फिर जब मेरा जन्म हो गया, जब बच्चे का जन्म हो गया, वो मैं कहता हूँ, तो उस बच्चे को डॉक्टर एकदम सीधा करते हैं, ऐसे करते हैं ना, और बच्चा उस वक्त रोता है। तो क्यों रोता है? मैंने डॉक्टर से भी बात की, मैं जहाँ जाता हूँ ये बात मैं क्यों कहता हूँ ताकि तुम लोग समझ सको कि मैं क्या कह रहा हूँ। बच्चा रोता है, डॉक्टर कहते हैं जी हम नहीं जान सकते रोता, लेकिन बच्चा रोता है। अगर वो ना रोए तो फिर कहते हैं अभी ये मरा हुआ है, ये मर गया, उसका सांस भी बंद हो जाता है, वो बोलता ही नहीं, कुछ भी नहीं, वो डेथ डिक्लेयर हो जाता है। वो क्यों रोता क्यों है? क्योंकि 9 महीने में उल्टा था, तो मेरी जो सुर्त थी, मेरा जो जीवन था, वो यहाँ था, यहाँ। जब सीधा किया गया तो वो ऐसे किया तो ये यहाँ आ गया। क्या कहा मैंने? यहाँ आ गया। फिर कोई पता नहीं है क्या हुआ, नाड़ काट दी गई। नाड़ू जैसे काटा तो फिर क्या हुआ? मेरा खाने की सप्लाई बंद हो गई, लेकिन माँ के सुतर में दूध आ गया। किसने किया दूध पैदा? सोचो तुम लोग। तो दूध क्यों आया एकदम? क्योंकि खाने की ये सप्लाई बंद हो गई, माँ को दूध आ गया। इंतजाम पहले ही हुआ है, दूध आ गया। जब दांत आए तो माँ का दूध भी सूख गया। ठीक है बेटा, मैं ठीक कह रहा हूँ? मैं तुम्हें विज्ञान की, साइंस के ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पालने वाला और तुम्हारे पालने वाला कोई है। ये समझाना चाहता हूँ तुम लोगों को कि वो कोई ताकत है जिसने, जब मेरा कोई अंग नहीं बना था, उसने बनाए, फिर उन अंगों की पूर्ति करने के लिए उसने अंदर से सारा इंतजाम किया,
फिर जब सीधा हुआ नाड़ू काट दिया, माँ के तनों में दूध आ गया और मेरी ताकत वहां से यहाँ आ गई। ठीक है बच्चा, अब बच्चा दूध पीने के बाद फिर क्या करता है देखा आपने कभी, क्या करता है? हाथ पांव मारता है, पांव भी मारता है, हाथ भी मारता, मारता कि नहीं मारता? माँ बड़ी खुश होती है। हाथ पांव क्यों मारता वो? ताकि शरीर में ताकत चली जाए, वो ताकत जो यहाँ है वो सारे शरीर में चला जाए, वो धीरे धीरे सारी ताकत हमारे शरीर में जाती है, तो बच्चा खड़ा होने लग जाता है, फिर माँ के सारे चलने लगता है, फिर माँ के बुलाए बोलने लगता है, माँ बोला सुनाती है मुझे बोलना और तो कोई सिखाता नहीं, फिर वो बताती जे तेरा पिता है, जे तेरा भाई है, जे तेरी बहन, उसको तो कोई पता नहीं मैं कौन है मेरा, यहाँ कोई है बच्चे को पता होता, फिर उसको बता देते मंदिर चल, मंदिर जाएगा तो वो पूजा करने लग जाएगा, अगर सरदार के घर में पैदा होगा तो गुरुद्वारे ले जाएंगे उसका, वो सरदार बन जाएगा गुरुद्वारा मानना शुरू कर देगा, मुसलमान होगा तो मस्जिद में ले जाएंगे वो मुसलमान बन गया, ईसाई है तो वो गिरजाघर में जाएगा वो ईसाई, किसने बनाया उसको, उसको हमने धर्म में किसने डाला? हमने डाला, केवल एक इंसान था, वो इंसान का बच्चा था, मगर हमने उसको जैसे ही बाहर आया हम उसके मन में जाति भी पैदा कर दी, हम उसके मन में धर्म भी पैदा कर दिया, हम उसके मन में गैर अपना और पराया भी पैदा कर दिया, बस वो बेचारा साफ था गंदा होता गया। क्या कहा मैंने? अब कबीर साहब कहते हैं, इन्होंने शब्द पढ़ा, गर्भवास में खबर लेते हैं बाहर क्यों बिछड़े, ऐ इंसान जिस मालिक ने तुम्हें माता के गर्भ में पालन पोषण किया, तुम्हें बाहर क्यों नहीं विश्वास आया इस बात का? अब तुम्हें मैं अपनी बात बताता हूँ, परमदयाल जी महाराज ने मुझे एक बार की बात है, मैं ये बार बार सुनाता हूँ ताकि लोग समझ जाएं। मालमता मंदिर में महावारी सत्संग था तो कुछ प्रोफेसर लोग भी आए हुए थे, सत्संग खत्म हुआ सब लोग अपना अपना प्रसाद लेकर चले गए, लेकिन मैं नहीं जाता था, मैं तो सबके बाद में आज्ञा लेकर जाता था क्योंकि मेरी बस 4 बजे जाती थी, तो वहाँ प्रोफेसरों की आदत होती है बोलना, कोई बात करनी सुनना कम बोलना ज़्यादा, तो महाराज जी से वो कर बातें करने लग गया किसी ऋषि के बारे में और मैंने भी दखल दे दिया, मैंने कहा नहीं सब ऐसे नहीं, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने मुझे जब मैंने ये बात कही तो बाबा मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे दादा ने मुझे पूछा बच्चा तू भी किताब पढ़ता है ऐसी, मैंने हाथ जोड़कर कहा हाँ पिताजी मैं भी पढ़ लेता हूँ कभी कभी, मुझे एक आदेश दिया, क्या आदेश दिया, उसको नाम समझ लो, उसको हुक्म समझ लो, जो मर्जी समझ लो, कि तूने आज के बाद किताब नहीं पढ़नी, तूने अपने मन की किताब पढ़नी है, बात समझ गए? अब मन की किताब जो है ये सबसे बड़ा ग्रंथ मुझे दे दिया, ये मन है जिसमें सब कुछ है, ये मन है जिसमें सुख भी है दुख भी है, अपनापन भी है परायापन भी है, नेकी भी है बदी भी है, जो कुछ भी है तुम्हारे अपने मन में है। तो जब मैंने मन को देखा कि मेरा मन रहता कहाँ है, वो मेरे शरीर में रहता है, और मेरे शरीर में रहते हुए आंखों के द्वारा बाहर चला जाता है, कभी किधर दौड़ता है कभी किधर दौड़ता है, कभी दौड़ता है ना सबका मन, मेरा भी दौड़ता था, जब किताब पढ़नी शुरू की तो सोचते सोचते पहुंच गया कहां कि मैं तो था ही नहीं, हूं ही नहीं, जब माँ के गर्भ में मेरी देख करने बाल का है सब कोई मालिक है, और बाहर आया तो बाबा फकीर ने मेरी देखभाल की है, तो मुझे मेरा मन से रहा कहाँ, मैं मन के बारे में क्यों दौड़ूं, मैं मन के पीछे क्यों दौड़ूं, मेरे लिए ना कोई बुरा है ना अच्छा है ना नेक है ना बद है, सब में वही समाया हुआ है, सब में वही है जो मेरे में है, तो मेरी आंख खुल गई, क्या आंख खुली वो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। निकालो कबीर साहब का शब्द,
मैं कैसे बना, मेरा शरीर कैसे बना, मैंने एक समझ कैसे आई, मैंने जिंदगी में क्या कुछ किया। मैं आज यहाँ मानवता मंदिर बलाली से कहता हूँ, मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। जिस दिन मुझे ये विश्वास हो गया कि जो कुछ करने वाला मेरा गुरु है, जो कुछ करने वाला मेरा मालिक है, गुरु वो है जो शरीर नहीं है, गुरु वो है जो गुरु ने मुझे वचन दिया, गुरु वो है जो गुरु ने मुझे शब्द दिया, जो ज्ञान दिया, जो अनुभव दिया, जब मुझे वो पता लग गया कि जब तूने वहाँ कुछ नहीं किया तो बाहर क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। ऐ इंसान, अगर तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि करे करावे आप पे आप, मानस दे कि कुछ नहीं हाथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम शांत रहोगे, तुम मस्त रहोगे, तुम आनंद में रहोगे और तुम चिंता मुक्त होकर अपना जीवन गुजार सकते हो। अब मैं सुनाता हूँ कबीर साहब की वाणी, सुना दो, जीनी जीनी रे चदरिया। ये हमारी चादर है, ये चादर है शरीर, ये हमारा शरीर जो है ये चादर है। किसने बनाई, कबीर साहब के शब्दों में, किसी संत ने कहा ये महल है, कबीर ने किया महल भी कहा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार वो अंड से पारा है, अंड मैंने ये मन से परे है, आपके अंदर है, बाहर थोड़ी है, मंदिर में है कुछ, मंदिर में तो मूर्ति हमने बना के रखी है। और दूसरी बात ये है कि हम मूर्ति बढ़िया से बढ़िया बना के रखते हैं, कौन बनाता है, इंसान बनाता है, आदमी बनाता है ना, मूर्ति भगवान तो बनाता नहीं, भगवान ने तो ये मूर्ति बनाई, ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई, भगवान ने तो इंसान की मूर्ति बनाई है, इंसान ने आगे मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी और असलियत को भूल गए। क्या कहा मैंने, अरे इंसान तू अपने हाथ की मूर्ति बनाकर पूजा करेगा, तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरा मोक्ष नहीं होगा, तेरी मुक्ति भी नहीं होगी। तेरा कल्याण और तेरी मुक्ति तब होगी जब तू इंसान बनते हुए इंसान की सेवा करेगा। क्या कहा मैंने, इंसान से नफरत, मूर्ति से प्यार, ये कौन सा धर्म हुआ, इंसान से नफरत, इंसान से दुश्मनी, इंसान का गला काटा जा रहा है और जानवर के और मूर्ति के आगे जानवर को काट कर उसकी उसका कहते हैं यहाँ हमने इसकी क्या कहते हैं गल बलि दे दी, उसका बलिदान देते हैं देवता को खुश करने के लिए। मूर्ति भी कभी खुश हुई है, उसमें तो जान ही नहीं है, कहाँ है उसमें जान। अब आपको बुरा ना मानना, मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैं कॉलेज में प्रिंसिपल था तो मुझे एक मैसेज आके क्या कहते हैं निमंत्रण आया, निमंत्रण कि सर आपने इस मंदिर में आना है और महापुरुष आएंगे, मूर्ति की स्थापना होगी और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसमें प्राण डाले जाएंगे। मैंने कहा भाई ये नई चीज़ देखने को मिलेगी, मुझे ज़रूर बोल लेगी मूर्ति, हाथ भी उठाएगी शायद, मेरे बात का शायद जवाब भी देगी, तो मुझे जाना चाहिए, तो मैं भी चला गया वहाँ। मैं जाता नहीं कहीं इन चीज़ों में, मैं नहीं जाता। तो लोग खड़े हो गए तो एक गाड़ी आई, उसमें महापुरुष अंदर बैठे हैं तो वह बाहर नहीं निकले जब तक लोग ना हार लेकर खड़े नहीं हुए। संत तो हार का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आए बाहर तो बारी बारी सबने हार उनको डाले, यहाँ तक हार जल गए। मैं तो किसको मत्था नहीं टेकता, सीधी बात है, मैं तो मालिक सब आप सबको मत्था टेक सकता हूँ, लेकिन जो पखंडी है उसको मत्था नहीं मैं टेकता, उसको दूर से मैं कह दूँगा। चलो वो आ गए, आरती हुई, बड़ा सजाया हुआ मूर्ति को और मैं खड़ा देखता रहा। अब भी प्रताप वो क्या करेंगे, इसमें प्राण डालेंगे, वो भी खत्म हो गया काम, वहाँ कुछ भी नहीं, मूर्ति वैसी की वैसी। मैंने पूछा किसी को, मैं इसमें प्राण डाल गए, मान लो ही डल गए, मान लो, मैं क्या, मैं कलयुग का आदमी हूँ, मैं कैसे मान लूँ, ये तो बोलती नहीं है। और कबीर ने भी लिखा है कि अगर ये बोले तो मैं ले आऊँ, स्नान करूँ, ऊंची जगह रखूँ,
इसको फूल भी चढ़ाऊंगा, इसको पैसे भी चढ़ाऊंगा, इसकी पूजा भी करूंगा, पर ये बोलती नहीं है। और उन्होंने शब्द लिखकर क्या कहा, लिखा क्या, अब मैं भूला रे भाई मुझे सतगुरु जुगत बता दी, जुगत बताई मुझे सतगुरु ने जुगत बता दी। वो क्या जुगत है, उन्होंने क्या कहा, कबीर साहब ने, उनकी वाणी से आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं, अब मैं क्या समझा, दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी। मन में दया रख कर अपनी ड्यूटी को पूरा करो। धर्म वो नहीं है जो दुनिया कहती है, वो धर्म नहीं है, वो तो एक परंपरा है, वो तो एक रिवाज है, वो समाज का एक रिवाज है, जिंदगी गुजारने का रिवाज है और कुछ नहीं। क्या कहा मैंने, जितने भी धर्म हैं उनके कुछ निजम हैं, उन निजमों पर चलो, वो धर्म हो गया। और ये धर्म जो मैं कह रहा हूँ, ये ड्यूटी है संतों की, धर्म ड्यूटी है। कौन सी ड्यूटी, परिवार के प्रति ड्यूटी, बेटे की माता पिता के प्रति ड्यूटी, बहू की सास ससुर के प्रति ड्यूटी, पति की पत्नी के प्रति ड्यूटी, पत्नी की पति के प्रति ड्यूटी, और माता पिता की बच्चों के प्रति ड्यूटी। ये धर्म है, असली धर्म ये है। ये नहीं कि घर में माता तो भूखी बैठी, बाहर लंगर लगा दिया जाए, वो ड्यूटी नहीं है। जहाँ लोगों को कपड़े दिए जाए, माता पिता को कपड़ा ना दिया जाएगी, ये ड्यूटी नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म घर से शुरू करो, ये मेरे दादा बाबा फकीर जी महाराज ने हमें आदेश दिया। धर्म अपने घर से शुरू करो, माँ बाप से शुरू करो, बच्चों से शुरू करो, तो दुनिया तुम्हें देख कर तुम्हारे ऊपर चलने की कोशिश करेगी। दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी। अपने जैसा सबको समझे, जहाँ कौन समझता है अपने जैसा अपने, कोई हिंदू बन गया, कोई सिख बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई यहूदी बन गया, और सब आपस में लड़ रहे हैं किसके लिए, भगवान के लिए। किसी ने उसका नाम राम रख लिया, किसी ने उसका नाम अल्लाह रख लिया, किसी ने उसका नाम वाहेगुरु रख लिया, किसी ने उसका नाम क्या नाम है अल्लाह रख लिया, तो क्या उन्होंने उसको देखा, किसी ने नहीं देखा, वो देखा जाए नहीं जा सकता। कबीर साहब ने डिक्लेयर कर दिया, जो दिखे सो वह नाही, जो नजर आता है वो नहीं है, और जो है वो दिखे नहीं, जो है वो नजर नहीं आता, लेकिन तुम महसूस करो अपने आप में कि वो है। कौन है वो जो सांस लेता है, कौन है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ खाने को पचा रहा है, कौन है वो जो तुम्हारे दिल की धड़कन बनाए हुए है, कौन है वो जो तुम्हारे शरीर की नब्ज को चला रहा है, वो है वो है वो। कहाँ है, तुम्हारे अपने अंदर है, वो उसकी अंश है, वो मालिक कुल की अंश है। उस मालिक कुल की अंश को जानना जानो तो वो भी जान जाओगे। परमदयाल बाबा फकीर जी महाराज ने एक बहुत प्यारी बात सुनाई हुई है हमें, इसलिए मैं भटकता नहीं हूँ। पुराने जमाने में घरों में कच्चे बर्तन होते थे, पुराने जमाने में, आज से 20 साल पहले अभी आया ये कुकर वगैरह आपका, है ना, अभी आए बर्तन, ये पहले तो मिट्टी के बर्तन होते थे। तो महाराज जी ने बताया कि माता जी, हमारी माताएं मिट्टी के बर्तन में दाल बनाया करती थी, और दाल बनाने से पहले एक मिट्टी का बर्तन बनाया हुआ था थे, उसमें ये गोबर की उपले होते थे, उसकी आग लगा देनी, दाल को धोना, उसमें डाल दिया, नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, और उसके ऊपर एक ढक्कन दे देती थी, जिसको मैंने देखा मेरी माँ की, मैं अपनी बात बताता हूँ, उस ढक्कन में गलियाँ होती थी ताकि उसमें से भाप निकलती रहे और दाल उबले नहीं। थोड़ा काम करना, पशुओं का साफ करना, दूध निकालना, दही निकालना, ये कर वो कर, फिर देखना कि दाल बनी कि नहीं बनी। आना एक चमचा लेना और उस चमचे से दो तीन दाने निकाल लें, दो तीन दाने निकाल लें,
और उसको हाथ से ऐसे देख लेना, दाल बन गई, ऐसे देखते हैं ना दाल बन गई, कुकर का तो कहते हैं ना सीटी बन गई, वो बनती नहीं है, वो दाल तो नहीं बनती, वो तो ड्रामा हो गया, तो ठीक बन गई दाल, कोई तड़का नहीं लगता था, देसी घी डालना, खाओ आराम से रोटी, कोई बात नहीं। एक दाने से माँ को पता लग जाता था कि सारी की सारी दाल बन गई, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर एक दाना है, तुम्हारे अंदर एक अंश है, तुम्हारे अंदर एक आत्मा है, तुम्हारे अंदर एक आत्मा से ऊपर चीज बैठी है, वो भी एक दाना है, उसको पहचान लो, तुम्हारे उसको ब्रह्मांड का पता लग जाएगा कि तुम कौन हो। इससे परे और मैं बाबा फकीर का क्या एग्जाम्पल आपको दूं, तुम तो बाहर भटके हो, बाहर नहीं है वो, बाहर कुछ भी नहीं है, जो बाहर है वो सब नाशवान है, वो कभी रहने वाला नहीं है। तुम्हारा शरीर मेरा शरीर भी सदा रहने वाला नहीं है, ये भी एक दिन पंछी उड़ जाएगा और ये भी पांच तत्व का पुतला खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको जानो जो तुम्हारे अंदर है। इसलिए कहा है अपना सा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी, वो अविनाशी मालिक जो है उसका ज्ञान तभी आपको होगा जब तुम ऐसा दुनिया के साथ व्यवहार करोगे, मेरे तेरे का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई 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 बुरा नहीं है। इसलिए संतों ने कह दिया बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया को, जब मन देखा अपना मोसे बुरा ना को, जैसी तुम्हारी दृष्टि है वैसा संसार है, अगर तुम अंदर से नेक हो सारी दुनिया तुम्हें नेक नजर आएगी, अगर तुम अंदर से बुरे हो सारी दुनिया तुम्हें। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, कोई जानवर आ रहा है, तुम उसको बुरी नजर से देखो, तुम उसको समझो कि ये मारे मारेगा, वो तुम्हें जरूर मारेगा, मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तजुर्बा किया, मेरा तजुर्बा है, इसलिए बाबा फकीर ने तजुर्बा बताया अपनी जिंदगी का, मैं भी उस तजुर्बे के मुताबिक चलता हूँ। मैं पटियाला शहर में रहता था, अकेला था, तो शाम को दफ्तर से आना, अपने शहर निकल जाना, दूर तक चल जाना, तो ऐसे ही एक नहर है, वहाँ नहर है, वो गुरुद्वारे से नहर निकलती है, काफ़ी दूर तक जाती है, वो जो पंजाब की नहरें बनी हुई हैं, इधर खेत है नीचे और इधर पानी है, तो आगे से एक सरदार जी भैंस को लेके आ रहे हैं, भैंस उनकी दौड़ी हुई है, और वो मुझे दूर से कहते हैं बाबूजी बच जाओ, बाबूजी बच जाओ, मेरी भैंस बहुत मारती है, ये किसी को नहीं छोड़ती। तो थोड़ी देर के लिए मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ, इधर छलांग लगाऊँ टांग टूटेगी, इधर जाऊँ तो नहर में जाऊँगा, ओहो मैंने सोचा ये दूध देने वाली माता, इसने मुझे क्या कहना, ये तो दूध देने वाली माँ है, मुझे क्या कहेगी, मेरे मन में माँ का ख्याल आ गया कि ये माँ है, मेरी बात समझ गए, वो भैंस मारने वाली आई, मेरी तरफ देखा और देख के चली गई, वो सरदार आया कहता बाबू जी क्या मंत्र पढ़ा मैं कोई मंत्र नहीं पढ़ा, ये माँ है इसने मुझे कुछ नहीं कहा, कहता जे किसी को नहीं छोड़ती, जो आगे आ जाए जानवर आ जाए मार दिया, सिंह मारती फेंक देती है, तू बच गया। मैं समझ गया, मुझे ज्ञान हो गया कि अपने अंदर से नफरत को खत्म करो, जो करेगा सो भरेगा, हमको बहे उदास, मेरी बात समझ रहे हो, जो तुम्हारे साथ बुरा करेगा वो खुद भोगेगा, मैं काहे के लिए उदास हो जाऊं, मुझे उसका भला मांगना चाहिए, तेरा भला हो तेरा भला हो तेरा भला हो, क्या कहा, मुझे मेरा फल मिलना है, उसको उसका फल मिलना है, ये संसार तो इस हाथ से दो इस हाथ से ले लो, ये आगे का सिस्टम तो फिर बाद में जब मरेंगे तो तभी मिलेगा उसका अगले तार अगला साल, तो फिर आगे क्या कहते हैं, अपना सा जीव सबको जाने तब अभी विनाशी, फिर आखिरी बात कह दी कबीर साहब ने, सहे कुशब्द बाद को त्यागे छाड़े गर्व गमाना, तीन चीजें कह दी, किसी ने बुरा कह दिया सह दिया, बाद विवाद नहीं करना, तू एक कही तुसी दो कहो
एक गलत गल है। अच्छा भाई तेरा पला बहुत ऊंची बात है। अगर घरों में सहनशीलता आ जाए तो घर स्वर्ग बन जाए, लेकिन किसी में सहनशीलता है इन्हें चिट्टा नमक खा रहे हैं सारे। इतना क्रोध है, छोटी छोटी बातों पर तुम झगड़ा करते हो, नमक ज्यादा खाते हो, चीनी ज्यादा खाते हो, मिठाइयाँ ज्यादा खाते हो, तो अंदर बीमारियां पैदा होंगी और क्या होगा। क्या कहा मैंने, सह कुशब्द बाद को त्यागे छाड़े गर्व गुमाना। गुमान भी कोई नहीं करना, गर्व नहीं करना कि मैं ए है, मेरे कुछ आया, मेरे को आया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अरे इंसान तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू क्या कर सकता है, तेरी टटियां लग जाए तो रोक के दिखा लो। मैंने रोक लो, दौड़ोगे ना डॉक्टर के पास, आए डॉक्टर साहब मैं लूज टटियां लग गई हैं, फिर तू रोक ला तो बहुत बड़ा दर्द ठंडा बढ़िया से कर ला अपना इलाज। मैं थोड़ा सी गलत गलत कही है पर मैं ठीक कही है। तो अपने सांस के उत्ते कंट्रोल नहीं है, कौन ले रहा सांस, पूछो अपने आप को। ड्रामे बड़े पे हैं, कोई कहना मैं ये है वो, और सांस तो तेरा अपने कंट्रोल में नहीं है। हूँ आया या नहीं आया, ले गुरु नानक साहब बाला मर्दाना जा रहे, गुरु नानक साहब बाला मर्दाना जी जा रहे। तो गुरु नानक साहब प्यारे थे ना उनके, तो एक दिन शुगले में कहते बाला तेनू मेरी संगत कर दे किन्ने साल हो गए, कि महाराज जी मैं तो नाल ही है, तू मैनु एक गल दस भाई जे तेरी मौत आ जाए तू किन्ने साल लै सकता, किन्ने साल लै सकता। कहता महाराज जी थोड़ी संगत है 10 साल तो मैं ले लेने हैं। अच्छा तो तू बहुत कंट्रोल है तेरा, तो 10 साल ले लेने हैं, जब तेरे को ताकत इन्नी आ गई है मेरी संगत च 10 साल तो बहुत अच्छी गल है, चल मुबारक हो तेन। कहते मरदाना तेरा क्या ख्याल है, महाराज ये 10 कहते 4-5 तो मैं भी ले लेने हैं। चलो दोनों ने फैसला कर दिता भी साढ़े कंट्रोल च सा है, हूँ तो ही सोचते भी बाबा जी ने भी पूछिए महाराज थोड़े की ताकी हाल है, तुम तो मेरे का 100 साल ले लेना। महाराज जी अपने बारे भी दसो, कहते बाला मरदाना मेरा तो ख्याल ये है, मेरा अनुभव ये कहता भी जोड़ा सह चला गया वो पता नहीं आना भी कि नहीं आना, मेरे तो यह भी ताकत नहीं कि मेरा वो ही आ जाए वापस। दोनों ने पैर फल लाए, कहते महाराज जी असं गलत थे, ये गल ठीक है, जो गया सो गया, वो दोबारा नहीं आना है। इसलिए गर्व किस बात का, अपने ऊपर पहले सोचो, बाकी बातें बाद में सोचो। तुम क्या कर सकते हो, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, अपने बचपन से देखो तुमने क्या किया। डींग मारते हो मैंने ये किया, मैंने मैं कहता हूं मेरा अनुभव अब ये कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मुझे पता आगे मुझसे क्या होना है, कल को क्या होना है, शाम को क्या होना, जिंदगी में क्या कुछ उसने करवाना। नथ खसन दे हाथ, बस नथ उसके हाथ में है, इसलिए किस बात का गर्व करना। तो कबीर साहब ने फैसला किया सैक शब्द बाद को त्यागे छाड़े गर्व कमाना, फिर क्या मिलेगा, सतनाम ताही को मिलिए कहे कबीर सुजाना। कबीर साहब कहते वो सतनाम, वो मालिक का नाम, वो ईश्वर का नाम, वो अल्लाह का नाम, वो असली असलियत उसको मिलेगी जिसमें ये चार चीजें आ जाएंगी। अब उनसे पूछो जो भक्ति बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा नाम जपते हैं, जब बहुत ज्यादा तिलक लगाते हैं, या तरह तरह के डांगड़ चाहते हैं, उनको पूछो तुम्हारा अंदर का हाल क्या है, अंदर का हाल क्या है। मैंने पूछा है उन लोगों को, मैं इसलिए कहता हूँ वो मेरा पांव दबा देते हैं, हमारी रोटी का मसला है, हमारी रोटी का मसला है और कोई मसला नहीं है, सब रोटी का मसला है, उसका कोई मसला नहीं है, उस मालिक का कोई मसला नहीं है। बात मेरी समझ गए, एक बात मैंने आपके लिए आगे पढ़ो, अब पढ़ो झीनी झीनी रे चदरिया, फिर बताऊंगा आपको क्या करना है आगे। जी
चादर कहते हैं, उस मालिक ने इसको बहुत प्यार से तैयार किया, ब्रीक ब्रीक किया तैयार, ब्रीक ब्रीक। इसको जरा खोल के देखो। साइंसदानों का और संतों का कहना है कि जितनी बड़ी धरती है, ये पृथ्वी जितनी बड़ी है, अगर इंसान के शरीर को काटा जाए, चमड़ी अलग की जाए, हड्डियां अलग की जाए, आंते अलग की जाए और सब कुछ अलग अलग किया जाए, तो जितनी धरती है, ये एक आदमी का शरीर सारी धरती को ढक सकता है। ये है इसका। परमदयाल जी महाराज ने बताया कि ये जो हमारी शरीर है, इसमें जितनी धरती है, धरती का अंश जितना है, उससे 3 गुना ज्यादा इसमें पानी है। जितना पानी है उससे 3 गुना ज्यादा इसमें अग्नि है। जितनी अग्नि है उससे 3 गुना ज्यादा इसमें वायु है, और जितना वायु है उससे 3 गुना ज्यादा आकाश है। अब आप अंदाजा लगा लो कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और जो इसको चलाने वाला वो कितना बड़ा होगा। अब अंदाजा लगा लो आप, इसको चलाने वाला जो है वो कितना बड़ा होगा। एक तो बात ये है, कबीर साहब ने कहा कि ये जो हमारा चोला है, जो बना है, जो चादर है, इसमें क्या क्या है। वो कहते 360 इसमें हड्डियां हैं। 360 कैसे गिनी, ये तो बहुत ज्यादा है। 72 इसमें जोड़ हैं, बड़े जोड़ है ना, ये जोड़ है, ये भी जोड़ है, 72 जोड़ उन्होंने बताया, बड़े जोड़, छोटे नहीं बताया। जैसे ये जोड़ है, ये जोड़ है, ये जोड़ है, उठने का जोड़ है, ये है, ऐसे ही हमारे अंदर जोड़ बने हुए हैं, 72 इसको जोड़ है। और इसमें 72,72,2,010 नस नाड़ियां हैं, गिनो हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये ब्रह्मांड है, पूरा पूरा ब्रह्मांड है। अब ये चादर बनाने के लिए कबीर साहब कहते हैं उसने बहुत प्यार से इसको बनाया। जीनी है चंद्रिया, बहुत बारीक है चंद्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें उसने किसी को बैठाना था, अपने अंश को बैठाना था। एक बात और कह देता हूं, मुझे फिर किसी ने टेलीफोन भी किया बाद में, एक सरदार ने, इसी सवाल पर। कुम्हार बर्तन बनाता है ना, कुम्हार तो अब रहे नहीं, प्रजापति, वो मिट्टी का बर्तन बनाते थे, और वो बर्तन जिस काम के लिए बनाते थे वैसी उसकी शक्ल बनाते थे। जैसे रोटी तवा, तवा तो अब लोहे के आ गए, मिट्टी के तवे भी होते थे। तवा बनाना रोटी के लिए, फिर आटा गूंदने के लिए उसको कनाली बोलते थे, परात, मिट्टी की परात, वो बनाते थे तो रोटी के लिए। फिर दूना बनाते थे दूध के लिए, उसका नाम तो दूना होता था, वो बड़ा होता था जिसमें 4-5 किलो 7 किलो दूध आ जाए, तब लोग 10-10 किलो दूध होता था, हमारे घर में 10 किलो दूध होता, इतना बड़ा होता। फिर दही, दही के लिए बर्तन होता था अलग, जिस काम के लिए जिसको यूज करना उसके लिए वो बर्तन बनता था। एक बार अब स्टील के जो बर्तन बनते वो भी ऐसे बनते हैं ना कि ये भी बर्तन किसके लिए बनाना, किस काम के लिए बनाना, तो वैसा बर्तन बनाते हैं। जग बनाना जग बना देंगे, गिलास बनाना गिलास बना देंगे, कौली बनानी कौली बना देंगे, थाल बनाना थाल, ऐसे बनाते हैं ना। तो सोच कर बनाते हैं कि ये बर्तन किस काम आएगा। अब ध्यान से सुनना, उस मालिक ने हमारे शरीर को भी वैसा ही बनाया जैसी इसमें चीज डालनी थी। बहुत ऊंची बात कहती मैं, जो रूप इसमें बिठाना था, जो आत्मा इसमें बिठानी थी, जो सुरत इसमें बिठानी थी, उस सुरत के मुताबिक हमारा चोला बनाया गया। बात को समझे, यू नहीं बने हम ना, जो कर्म हमसे करवाना, जो रूप हमारे को देना, उसके मुताबिक उसने इसमें इस बर्तन को बनाया और पूरे तसल्ली से बनाया। फिर बना कैसे, आगे चलो। जीन जीन दीन चगरिया, जीन रे जीन रा
कबीर साहब खुद कहते हैं ये चादर जो बनी है कौन से धागे से बनी, कौन इसका ताना था, कौन इसका बाना था। आपने देखा ताना बाना होता है ना, एक लंबा धागा एक छोटा धागा, उसको कहते हैं ताना बाना। वो कैसा था बनाया उसने, तो वो खुद ही इसका फिर आगे जवाब देते हैं। काहे के ताना काहे के भरनी कौन तार से बीनी चदरिया जीनी रे जीनी इंगला पिंगला तारा भरनी इंगला पिंगला तारा भरनी सुसमल तार से बीनी। अब और बात कह दी, अब ध्यान से सुनना आपने, इसमें तीन धागे हैं, तीन चीजें हैं। एक धागा ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है। अभी देखा किसी जुलाहे को बनाते, नहीं देखा मैंने, देखा मैं गांव में रहा ना, ऐसे 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 चलता धागा, पांव से वो ऐसे ऐसे करते थे, आगे वो ताना ऐसे करता, ऊपर जाता नीचे जाता, इतने में इधर वाला धागे इधर चल जाता, इधर वाला दाना इधर चल जाता, क्योंकि वो जुलाहे थे ना, कभी साहब जुलाहा थे, कपड़े बुना करते थे। वो कहते इसमें क्या है धागा ताना बाना क्या है, वो कहते इंगला पिंगला, ये है इंगला ये है पिंगला, ये इंगला धागा है, जाता है सांस जाता आता, इधर का भी जाता आता, नहीं ऐसा ही है ना, लगातार तो नहीं जाते हैं ना, ये बारी बारी नहीं चलते, कुछ देर ये चलेगा कुछ देर ये चलेगा। ये उन्होंने कहा कि इंगला पिंगला इसका ताना है, और बाना क्या हुआ, सुषुम्ना नाड़ी, एक नाड़ी हमारे शरीर में है जो मूलाधार पीछे से चलती हुई रीढ़ की हड्डी में से होती हुई यहाँ आती है, यहाँ आती है। आप लोगों को कैसे ज्ञान होगा, मैं कैसे बताऊँगा आपको। तो ये जब चलते हैं तो हमारे अंदर एक शब्द पैदा होता है, कब होता है वो टाइम लगता है उसको। भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ये ज्ञान हो जाए कि मेरे अंदर क्या घटना घट रही है, तो वो कहना है कि ये कैसा बना तुम्हारा, तुम्हारी चादर बनी कैसे भाई, ताना बाना कौन सा हुआ, तेरा सांस ही ताना बाना है, और तेरी जो सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें वो बैठी हुई है ताकत जिसको कुंडली कहते हैं, वो जहाँ आकर जब खुलती है तो इंसान को ज्ञान हो जाता है। तो वो कहते हैं ये है इसका ताना बाना, तुम्हारा सांस ही इसका ताना बाना है। आगे आठ कवल दल चरखा डोले पांच तत्व गुण तीनी, और यह है इसमें पांच तत्व हैं, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। हमारी जो पृथ्वी तत्व है हमारे मूलाधार में है, हमारा जल तत्व हमारी इंद्री में है, हमारी अग्नि हमारी नाभि में है, हमारी हवा हमारे हार्ट में है, और यहाँ कंठ में आकाश तत्व है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो आकाश तत्व की ताकत से बोल रहा हूँ। अगर आकाश तत्व जिनके नहीं है वो क्या होते, गूंगे भी होते हैं और बहरे भी होते हैं, वो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, उनको उनके अंदर आकाश तत्व की कमी होती है, उनके कर्म ऐसे होते हैं कि उनके शरीर में कमी रह गई। क्या कहा मैंने, तो वो कहते हैं ये पांच तत्व का है बना हुआ, और तीन गुण है इसमें, पांच तत्व हैं तीन गुण हैं, तीन गुण कौन से, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, ये तीन गुण हैं, सभी में से हैं ये तीन गुण। कोई कोई सुस्ती में जीवन गुजारता है, कोई रजोगुणी है जो तरक्की करता है जिंदगी में, जो सतोगुणी है वो भगवान की तरफ ज़्यादा ख्याल रखता है। हर इंसान अपनी ताकतों को जिधर चाहे लगा सकता है, हैं सब में तीनों चीज़ें, तो लेकिन उनको इस्तेमाल कैसे करना है, रजोगुणी से सतोगुणी कैसे होना है, तमोगुणी से रजोगुणी कैसे होना है, ये गुरु की कृपा से आदमी हो सकता है, अपने आप कोई नहीं हो सकता। जिस पर दया आदि करता कि सो ये नियामत पावे, जिस पर उसकी कृपा हो जाती है वो इस ओर आता है,
और जिस पर कृपा हो जाती है वो तीनों से पार होकर शरीर से मुक्त होकर अपने घर वापस चला जाता है। आगे चलो। साई को सियत मास दस लागे ठोक ठोक के बीनी। अब कहता उस साई को दस महीने, लड़के दस महीने में पैदा होते हैं आमतौर पे, जैसा ख्याल किया जाता है लड़का दसवें महीने में पैदा होता है, लड़कियां शायद नौवें में पैदा हो जाती हैं। ये कबीर साहब का अपना ख्याल है, मुझे नहीं पता कहाँ तक ये ठीक है। वो कहते दस महीने लगाए इसको बनाने में और तुमने इसको बर्बाद कर दिया, तुमने ख्याल ही नहीं किया कि तुम वास्तव में हो क्या। ये कबीर साहब हमें उलाना दे रहे हैं, हमें शिकायत कर रहे हैं कि तुम इसका ख्याल क्यों नहीं करते। आगे चलो। साई को सियत मास दस लागे ठोक ठोक के बीनी चदरिया जीनी रे जीनी सो चादर सुर नरम ओढ़ी ओढ़ के मैली तीनी। कहते हैं यहाँ संसार में सबने ऋषियों मुनियों ने भी पहनी जो सबको मैला कर दिया और खराब कर दिया। हम भी क्या कर रहे हैं इस चादर को सुनो तो सही, सोचो हम इस चादर का क्या करते हैं। बाहर से तो नहा लिया गंगा में जाकर, अंदर से क्या नहाया, बाहर धोती तुमड़ी अंदर विषण कठोर। एक संत ने लिखा है तुमड़ी एक तुम्बा होता है, वो उसकी सब्जी नहीं बनती, वो ये जैसी हमारी क्या होती है उसको बोलते हैं कद्दू नहीं मशरूम, घिया, घिया जिसको बोलते हैं, है ना, घिया थोड़ी लंबी होती है ना, वो तो मीठी होती है, काटो तो मीठी सब्जी बनेगी। तो उसी का एक तरह का तुम्बा होता है और वो काटो तो वो जहर होता है। उसको गंगा में स्नान करा दो जितना मर्जी, साबुन लगाओ जो मर्जी करो, तो वो मीठा थोड़ी होगा अंदर से। ऐसे ही हम लोग अंदर से तो वैसे की वैसे रहते हैं, वहाँ डुबकी लगा दी तो कहा लो जी ऐसी गंगा स्नान कर लिया। अरे सुनो एक बात और सुना देता हूँ, कुंभ का मेला लगा हुआ है, बहुत दुनिया स्नान कर रहे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। वहां नारद मुनि भी आ गए, उसने देखा कि वाह रे वाह ये तो सब तर गए, जब तो सब कुछ वही पहुंचेंगे भगवान के पास ही पहुंचेंगे, ये इतना पाप यहाँ सारा धो दिया इन्होंने, धो दिया ये तो साफ हो गए। गंगा मैया के पास गए, कहते गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो नारद मुनि। वो कहते आओ नारद जी कैसे हो, बड़े खुश लगते हो। कहते खुश तो होना ही है, आपने इतनी दुनिया के गली ने पाप ले लिए, वो सब खुश होकर जा रहे हैं। कहते क्या हुआ, देखो धरती माता पर क्या हो रहा है, देखो कैसे आपके गुण गाए जा रहे हैं, आपने सारा उनका पाप ले लिया। कहती भैया सुन बह जा, मैंने कुछ नहीं लिया। कहते महाराज आपने नहाया, माता जी उन्होंने नहाया, तुमने उनकी महल सारी ले ली, पाप ले लिए। कहते मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने वहां से लिया सूर्य देवता को दे दिया, वहां से लिया सूर्य देवता को लिया। अच्छा तो सूर्य देवता के पास चले गए नारायण जी, सूर्यदेव की जय हो, सूर्यदेव की जय हो। कहते आइए आइए नारद मुनि, मेरी जय कैसे बोल रहे। कहते महाराज आप तो महान हैं, नारद मुनि है ना असल में, बहुत उनको उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हुआ क्या ये तो बताओ। कहते गंगा मैया कहती है कि ये जितने नहा रहे हैं लोग, कुंभ में नहाया जब वैसे नहाते हैं, उनके सारे पाप तो उसने ले लिए, लेकिन लेकिन आपने ले लिया वापस। हाँ नारद बात तो आपकी ठीक है, मैंने ले लिया। महाराज कैसे। कहते धूप पड़ती है ना तो मेरी जो ताकत है ना सूरज की किरण, वो भाप बनाकर उठा लेती सबका पाप उठा लेती है, तो मैं ले लेता। कहते फिर महाराज फिर तुम महान हुए ना। कहते नहीं नहीं तुम धोखे में, मैं महान नहीं हूँ, मैं वो इंद्र को ले लेता हूँ सारे के सारे, जो नहाया धोया लिया मैंने इंद्र को दे दिया। वाह जी वाह, चलो पहुँच गए इंद्र देवता के पास, इंद्र जी की जय हो, इंद्र देवता की जय हो। बात को ध्यान से सुनते रहना। चले गए उनके, आइए 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 इंद्र देव, क्या बात है।
बड़े खुश हो, कहते महाराज आपको लाख लाख मेरा शत शत प्रणाम, तुम बहुत महान हो, सारी दुनिया के पाप जो होते हैं सब आप ले लेते हैं और दुनिया बड़ी सुख से जीवन गुजार रही है। अरे नारद मुनि कहाँ भोले हुए आप, कोई किसी के पाप नहीं लेता, ना मैं ले सकता हूँ, मैं तो ये लेता हूँ और बादल को बादलों को दे देता हूँ। लो भाई जिन जिन का पाप जैसे जैसे आया उनके कर्म बात पे बात पे उनको दे दो, वो भोगते रहे। क्या कहा मैंने, वो सारे कर्म हमारे पास वापस आते हैं, इसलिए कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। क्या कहा मैंने, जे दादा दाल जी महाराज कहते हैं कर्म गति टाले नहीं टले। विशिष्ट जी ने राम और सीता की शादी का निश्चित किया कि इस दिन बड़ा अच्छा मुहूर्त है, और शादी हुई और उनका क्या हाल हुआ तुम जानो, तुम्हें पता ही है, एक दिन भी बेचारे आराम से नहीं काट सके। कर्म गति डरे नहीं डरे, ए इंसान मेरे दाता मेरे बाबा फकीर जी ने ऐलान किया कि ए इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, वो तेरे काम नहीं आएगा। जब तक तू मन में है, जब तक जो काम तू मन से करेगा उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए जीने का एक राज बता गए कि ए इंसान अपनी नियत को ठीक रख, अपनी नियत को ठीक रख के मालिक का काम समझकर उसको कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। तू किसी भी काम में अपने आप को फंसाने की कोशिश ना करके, मैंने किया जो किया सो हर किया, भयो कबीर कबीर, ना कुछ किया ना कर सका ना करने योग श्री, जो कुछ किया सो हर किया, भयो कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने भी समझ में यही आया कि ए इंसान तूने कुछ भी नहीं किया, जो होना था वो हो गया, जो होना है वो होगा, जो करवाना है उसने वो डंडे मार के करवा लेगा, जब नहीं करवाना होगा तो छुट्टी कर देगा। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। सोचा दर सोरे नर मुनि ओढ़ी बोल के मैली कीनी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो की तो धर दीनी चदरिया धीनी रे धीनी। अब मुझे याद आ गए सेठ नरेश क्वात्रा साहब जी, उन्होंने जैसे शरीर छोड़ा मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने जैसे ली थी वैसे रख दी, ले मैं चलता। क्या कहा मैंने, बच्चों का एक भी पैसा खर्च नहीं करवाया, और वो देखो संत जो दो दो साल बहुत बुरी तरह से रहे, संतों की मिसालें मैं नहीं देना चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसे पुरुष मैंने तो पहली दफा देखा कि जो आराम से सुबह के समय जबकि दुनिया मंदिरों में पूजा करती है, उन्होंने अपने शरीर को संभाल के हवाले कर दिया, लो संभाल मैं चला, ये तेरी दुनिया तू संभाल तू चला। क्या कहा मैंने, ये है एक महान व्यक्ति की व्यक्तित्व का पता लग जाता है, ये लगता है कि उनका कर्म कैसा था, ये लगता है कि उनकी अटैचमेंट कितनी थी। उनकी अटैचमेंट कोई नहीं थी, मैंने उनके दर्शन किए बहुत बार किए और उनके पास भी मैं बैठा हूँ, मैंने उनकी भावना को स्टडी किया। ये क्वात्रा परिवार बहुत उच्च कोटि का परिवार है, वो गोपाल जी सामने बैठे हैं, उनसे भी मैं प्यार करता हूँ, वो भी बहुत नेक ख्याल के इंसान हैं, बहुत अपनी ड्यूटी को समझकर अपनी ड्यूटी करते हैं, कोई लगाव लपेट नहीं है। क्या कहा मैंने, इसलिए आप माताएं हैं, माताएं तो देश को बनाने वाली हैं। मेरे बाबा फकीर ने कहा है इस देश को कोई नेता नहीं बना सकता, इस देश को कोई संत भी नहीं बना सकता, अगर बनाने वाले होते तो महात्मा बुद्ध बना जाता, गुरु नानक देव जी महाराज बना जाते, कबीर साहब बना जाते, ये अपने स्वामी जी महाराज ने क्या कुछ लिखा वो बना जाते, कोई नहीं कुछ बना सकता, तुम अपना आप बना सकते हो, दुनिया को नहीं सुधेर सकते। तो दुनिया को सुधेरने वाली माताएं हैं, कैसे, वो जो बच्चे को जन्म देना है
उसको ऐसे संस्कार दे, उसको ऐसे विचार दे, उसको ऐसी खुराक दे, उनको ऐसा प्यार दे, उनको ऐसा स्नेह दे कि वो एक नेक इंसान बने दुनिया में, एक भले इंसान बने दुनिया में, इस धरती पर बोझ बनकर ना जिए बल्कि एक हल्के फुल्के खुशबूदार फूल बनकर जहाँ जिए। क्या कहा मैंने? तो आप हैं, आप में तो तीन शक्तियाँ हैं, आप सब, आप लक्ष्मी भी हो। जिस घर में औरत सुखी है, कोई उसके मन में द्वेष नहीं है और सारे परिवार के बारे में सोचती है, वो लक्ष्मी है। और जिसमें क्रोध है ज़्यादा और अपना ही सोचती है, वो दुर्गा है, वो घर को नाश कर देगी। क्या कहा मैं? और सरस्वती जो बच्चों का ख्याल रखती है, बच्चों को नेक ख्याल देती है। तुम सरस्वती भी बन सकती हो, तुम लक्ष्मी भी बन सकती हो, तुम दुर्गा भी बन सकती हो, तुम में तो सब कुछ है। आदमी भी क्या है? कुछ भी नहीं, वो तो एक पुतला है, कमाई करने वाला, पैसा कमाने वाला। लेकिन आज तो मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ बहुत ऊँची ऊँची पोस्टों पर हैं, इतना काम करती हैं, इतनी नेक हैं लड़कियाँ कि उन्होंने देश की शक्ल को बदल दिया है। क्या कहा मैंने? इसलिए आज मैंने बहुत कुछ कह दिया आप लोगों को। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ, सारे परिवार के साथ मिलकर उनकी बारखी मना रहा हूँ, आप लोगों के लिए परिवार में भोजन बनाया बड़े प्यार से, और सच्चे दिल से चाहता हूँ कि अह पात्रा साहब, अह नरेश कुमार जी शेख साहब, मैं इस मंदिर से आपके रूप का ध्यान करके आपको आदेश देता हूँ, बाबा फकीर के रूप में आप अपने देश को वापस लौट जाओ। वो देश तेरा क्या है? वो प्रकाश का देश है, वो शब्द का देश है, और तू ही प्रकाश को देखने वाला भी है और तू ही शब्द को सुनने वाला भी है। मेरे दाता का तेरे अवसर पर हाथ है, मेरी शुभकामना, ये तेरा परिवार सुखी रहे, इनमें प्रेम बना रहे, ये चर्दी किला में रहे, इनको किसी तरह की कोई कमी न रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारे बिलारी वासियों की भी शुभकामना रखता हूँ। ये सब प्रेमी सज्जन हैं, दाता मेरे दाता बाबा फकीर जी के हाथ से ये मानवता मंदिर की स्थापना की हुई है, इसलिए मेरा जहाँ आना है मेरा धर्म बनता है। जब भी बिलारी वाले बनाएंगे मैं जरूर आऊँगा, और जो भी मेरी सेवा हो सकती है जरूर करूँगा। इन्हीं बशब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, अलख आगम अरनामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, परम संत का